हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नेट की प्रो आंसर की आ चुकी थी, तो उसमें करेक्शन हमने कर लिया था। फिर इसके बाद में रिजल्ट का इंतज़ार था और हमें ट्वीट के माध्यम से पता चला था कि अगस्त के सेकेंड सप्ताह में रिजल्ट आएगा। लेकिन आप सभी के लिए सरप्राइज़ है और आज ही आप सभी का रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। तो ये न्यूज़ है वो सही है कि आपका नेट जेआरएफ का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो दोस्तों, नेट जेआरएफ में जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और आपका भविष्य है वो उज्जवल रहे, और साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी जरूर बने, ये भी हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में नेट और जेआरएफ के लिए कट ऑफ है वो क्या रही, किस तरह से इसमें रहा। तो अगर अपन बात करें नेट की ज्योग्राफी में, तो अनरिजर्व कैटेगरी की में अगर हम देखते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 186 नंबर हैं वो आपको चाहिए। ठीक है, कितने नंबर चाहिए? 186 नंबर आपको यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो 186 में आपका फाइनल सिलेक्शन है वो हम मान सकते हैं। 186 क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या हुआ? 93 क्वेश्चन 186 है वो आपके नंबर यहाँ पे बनते हैं। फिर आगे आते हैं अपन, 93 यहाँ पे मैं बड़े से लिख देता हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें EWS, तो 172 EWS हो गया है, 86 नंबर। और उसी तरह से एम ओबीसी, ओबीसी में भी 172 186 क्वेश्चन है उसमें गया है। एससी में गया है 60, 160 नंबर, यानी 80 क्वेश्चन। और एससी में गया है 160, 80 क्वेश्चन, और एसटी में गया है 152 नंबर। 152 नंबर का मतलब क्या हुआ? 76 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 76 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपकी नेट का कट ऑफ गया है। क्वेश्चन और नंबर हमने दोनों में बता दिए, आप इस अनुसार अपनी प्रिपरेशन जो आगे आने वाली है दिसंबर का जो प्रिपरेशन है उसे तैयार करें। अगर ज्योग्राफी की बात करें और जेआरएफ की बात करें, तो अनरिजर्व में आपके गया है 208 नंबर। और मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ, यानी क्वेश्चन कितने हुए? 104। तो ये हमेशा ही मैं बोलता हूँ, मिनिमम 100 नंबर तो अनरिजर्व वाले लेके ही चले, और इस बार इससे भी ज्यादा हुई। ठीक है, तो 104 क्वेश्चंस है वो यहाँ पे रहा है। EWS का फिक्स 200 है, 100 क्वेश्चन EWS में रहा है। OBC 196 में रहा है, यानी 98 क्वेश्चंस है वो इनके रह रहे हैं। इसके अलावा SC में है 184, 184 92 इनका रहा है, और ST में गया है 176, यानी इनके कितने रहे हैं? 86 क्वेश्चंस है वो इनके रहे हैं। तो इस तरह से टोटल है वो क्वेश्चंस और नंबर के रूप में है, आपको यहाँ पे नोट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड हमने करा दी है। जो नेक्स्ट एग्जाम है, दिसंबर वाली एग्जाम है, उसके लिए मिनिमम ये क्राइटेरिया आप लेके चले। हालांकि इस बार जो पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर ऐसा इतना टफ नहीं था, लेकिन पेपर वन बहुत हार्ड आया था, तो इसलिए बैलेंस हो गया। अगर पेपर वन भी इजी आता तो थोड़ा सा आपका कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकता था, लेकिन ये रहा। अब दोस्तों, जाते जाते आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप सभी का सपना है जेआरएफ करना, रिसर्च करना, तो रिसर्चर बैच पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस बैच में आप दिसंबर 2023 और जून 2024 के प्रिपरेशन के लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी लाइव क्लासेस मिलती है वो रिकॉर्डेड हो जाती है। साथ ही साथ जून 2023 की रिकॉर्डेड सारी क्लासेस आपको इसमें अवेलेबल रहती है। पेपर वन पेपर टू दोनों की प्रिपरेशन, यानी ज्योग्राफी और पेपर वन दोनों का इसमें आपको मिलता है। साथ ही इसमें आपको मिलते हैं नोट्स, यानी ज्योग्राफी के जो प्रिंटेड नोट्स है वो भी आपको इसमें हम अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी वो सभी चीज जो आप सबको चाहिए, आप सब उस चीज की डिमांड करते हैं कि सर हमें पास होने के लिए कौन कौन सी चीजें
चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल आपको चाहिए, वो सारे सब कुछ पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के माध्यम से हम आपको एट रीजनेबल कॉस्ट प्रोवाइड कराने का प्रयास रहता है। ठीक है, साथ ही साथ नेट जेआरएफ की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी जो बुक है वो भी आपको अवेलेबल है, जिसे भी आप ले सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच है वो चल रहा है, उसमें भी आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी अवेलेबल रहते हैं, तो इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जो सफल हुए हैं उन्हें हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और जो जिनका नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, वो फिर से प्रयास करें और फिर से अपनी सफलता को, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।